वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सनाया मदर ऑफिशियल। दिस इज़ मी सनाया मदर, आपका वेलकम है मेरी न्यू ब्लॉग में। सो गाइज, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग को, और आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना पूरा का पूरा रूटीन इन मायके का। मतलब अभी तक मैंने कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं दिया है जिसमें मैंने आपको पूरा मायके का रूटीन दिखाया हो। तो मॉर्निंग रूटीन तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ लास्ट ब्लॉग में, और आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं अपना लंच टू डिनर रूटीन। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा का पूरा कवर कर सकूँ और आपको आज अपना लंच टू डिनर रूटीन तक शेयर कर सकूँ इंशाल्लाह। बट अगर इससे पहले आपने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब, तो जल्दी कर दे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड गाइज, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट्स बहुत कम करने लगे हो, प्लीज़ कॉमेंट्स पर ध्यान दो भाई, आपके कॉमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और सामने मुझे डिस्टर्ब करने बैठ गया मेरा ब्रदर, अगर मैं इसको दिखा दूँगी तो चुप हो जाएगा नहीं तो ये टीज करता रहता है। और आज बताइए क्या हुआ सुबह, गाइज मैं आपको बता दूँ। मैं उठी, मैं फ्रेशन अप होकर बाहर निकली ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये उठे उठे हुए जनाब बैठे हुए थे इधर बेड पर, ठीक है, यहीं सोते हैं जनाब। अब जब ये सुबह उठे तो इन्होंने ना मुझे छेड़ा, ना मुझसे बात की, तो मैंने सोचा कि आखिरकार ये क्यों नहीं बात कर रहा, ये क्यों मुझे टीज़ नहीं कर रहा, ये डेली टीज़ करता है मुझे। पता ही चला जनाब के शोल्डर्स में पेन हो रहा है, कहते हैं मेरे ब्लॉग में मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे नज़र हो जाती है। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है जनाब, हमारे ब्लॉग में आने से आपकी नज़रें हट जाती हैं क्योंकि अच्छे लोग देखते हैं। तो गाइस चलो आज की करते हैं दिन की शुरुआत। बहुत खूबसूरत मेरा दिन स्टार्ट हो चुका है, और इंशाल्लाह ये खूबसूरत दिन खूबसूरत लोगों के साथ गुजरेगा, और मैं अपने खूबसूरत पीपल की अपने खूबसूरत लोगों को शेयर करूँगी। तो बस स्टे ट्यून्ड रहना है और पूरा ब्लॉग वॉच करना है एंड तक। थोड़ी देर में मिलते हैं। सफाइयाँ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा घर क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी देर में मामा आ जाएंगी और डिसाइड करेंगे आज खाने में क्या बनना है, आज क्या बनेगा खाने में मामा। एस्ट्रोलॉजी की तरह बोलूँगी मम्मी खाना। मम्मी नाश्ता तो हो चुका है, मम्मी खाना होगा इंशाल्लाह। सो ले क्या ला रही हो, अरे क्या ला रही हो बता दो तो। मम्मा आ रही हूँ ऊपर। सो मम्मा जी पापा जी स्टोर चले गए हैं, टाइम हो रहा है 1 या 1:30 बज गया है, और पापा जी नमाज़ पढ़ेंगे, फ्रेशन अप होकर जाते हैं। ये बोल रही थी गाइस, ये देखो, हेलो बोल दे, बस दो मिनट की वाली फुटेज ले लूँ, ठीक है। मानो कुरान पढ़ रही है इसलिए मैं ये फुटेज लेकर एंड देन क्लोज करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी। तो यही बोल रही थी पापा जी जो है सुबह उठते हैं, मैं मतलब जो रूटीन यहाँ का शेयर करी हूँ उसमें बता रही हूँ। हम लोग का नाश्ता पानी हो चुका है, ठीक है, लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा। पापा जी उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एंड देन स्टोर पर पहुँच जाते हैं। स्टोर खुलता है बड़ा भाई मेरा अबू, ठीक है, जिसके साथ पिछले व्लॉग्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया है। सो उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक प्रैंक भी लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। एंड उसके बाद मम्मा जी जो है अपने बेडरूम से ऊपर आ जाती हैं, एंड देन यहाँ पर खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं आज क्या बनेगा, इंशाल्लाह जो भी बनेगा आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे ट्यून्ड रहना और व्लॉग को करना लास्ट तक वॉच। तो बस अब मानो कुरान पढ़िए, नमाज़ पढ़िए भाई, ये हमारी तरबियत ऐसी ही है, हम लोग नमाज़ कुरान नहीं छोड़ते भैया। हम खाना छोड़ देंगे लेकिन नमाज़ कुरान नहीं छोड़ सकते। बोलो यस जोर से, यस मानो के लिए यस। और मानो हमारी बिल्ली बहुत प्यारी है, बचपन की अगर उसके मेरे ब्लॉग्स आपने मेरे देखे 4 साल पुराने, भाई मानो वहाँ पर हमारा पीनू भी है, तो अगर देखने हो तो पुराने ब्लॉग जाकर देख लीजिए। और ये कट्टो जो है ना, ये कट्टो को लहरी गटकुन्नी एक गटकुन्नी है बोल है। ये अपने ब्लॉग्स देखता है ना, बड़ा फैसिनेट होता है, आज मैंने ये वाला ब्लॉग देखा। तो अभी अपने आपको देखिए ना ब्लॉग में, तो फैसिनेट होगा। चलो गाइस कुरान पढ़ा जा रहा है, कलर नहीं करना, खामोश होकर बैठ जाओ अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, थोड़ी देर में मिलता है, बाय बाय। सो मम्मा आ रही है नीचे से चूड़ियों के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, कैसी है मेरी मम्मा। अच्छा पीछे का आगे कर लिया, आगे का पीछे ऐसा है क्या, नहीं मॉप सही तो है। ले मम्मी हमें क्या पता है, हमने तो पहन लिया बस। ये मेरी मम्मा का कुर्ता है जो मैंने रात से पहना, बस सांस घुटेगी। ये मम्मा तो भाई माशाल्लाह बड़ी सुंदर लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड एक्चुअली रात में मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी अपने कुर्ते में, और नाइट सूट जो है मुझे मैं पहनती नहीं हूँ इतना। अरे 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 मम्मी लो लो लो, मम्मा का कुर्ता पहना था। मम्मा कह रही है रजिया छोटी रजिया कहाँ से आ गई। चलिए गाइस मम्मी आ गई है, लेट्स सी आज क्या बनाती है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। मैंने
गाड़ी से ही भिजवाया, कार से ही भिजवाया, कभी पापा ने बस या ट्रेन हमें नहीं माशाल्लाह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटी हमेशा लेविश मिली है हम सब भाई बहनों को, मम्मी पापा के अल्लाह के शुक्र से मम्मी पापा ने हमें हमेशा लेविश फैसिलिटी दी है, कभी हमने बिना एसी के ट्रैवल नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह फख्र से बोलते हैं, कभी हमने बसेस के चक्कर नहीं लगाए, कभी हम ट्रेन में नहीं गए, हमेशा हम लेविश लाइफ जिया है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरों से बचाए, और हमेशा हम लोगों को पापा ने A1 फैसिलिटी लाइक एसी कार फुल चिल्ड और आराम से, चाहे कितना लंबा रूट हो लेकिन गए हमेशा हम गाड़ियों से हैं, मेट्रो तो हमने बहुत रेयर देखी है दिल्ली की, जब कभी हम ही लोग वहाँ रुके हैं तो हमने मेट्रो से ट्रेवल किया, अदरवाइज कार से ही गए, कार से ही गए, हम सबके माँ बाप की उम्र में बरकत दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे पापा जी को रोजी दे बरकतों वाली, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस यहाँ आज मैं गैलरी में आई हूँ, देखिए जी मेरा गैलरी है ये, चलो ये गेट से बंद कर दो, सो इस तरह से ये हमारी गैलरी है, गेट खोल दो और नीचे का दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर डेली ना सब्जी वाले आते हैं तो मम्मा यहीं से सब्जी लेती है डेली, तो पूरा फ्लोर है, इधर का है पूरा पहाड़, इधर ऐसे ही पड़ा हुआ है घर, आई डोंट नो कैसा है, बट यहाँ पे रोज़ सब्जी वाले आते हैं भैया तो मम्मा यहाँ से सब्जी लेती हैं। चलो चलते हैं अंदर, देखो इस तरीके से मैं दिखा नहीं पा रही यार, चलीज मम्मा सब्जी ले ली आपने, फाइनली मम्मी ने मुझे कोई टास्क दिया है, वरना तो जब भी मैं घर, अभी 5 दिन हो गए, 6th डे है मुझे आज घर पर, मम्मी कभी मुझे कोई टास्क नहीं देती हैं, आज रिक्वेस्ट करने पर टास्क मिला है, वरना मेरी मम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह खुद ही सारे काम करती हैं, तो चलो आज हम करते हैं कटिंग चॉपिंग, आज बन रहा है भिंडी गोश लंच में, तो वही अब मैं जा रही हूँ मम्मा की हेल्प करने के लिए, मम्मी ने प्याज रख दी है, फटाफट से करते हैं अनियंस चॉप, क्योंकि भाई मैं अपनी ससुराल में भी खुद करती हूँ, तो मैंने कहा मम्मा आज आपको मैं रिलैक्स देती हूँ, इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ मम्मा मैं कुकिंग करूँ, तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा मैं ही बनाऊँगी, तो मम्मी बना रही है उधर अदरक लहसुन की पेस्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कट करूँगी भिंडी एंड अनियंस, तो चलो चलते हैं अनियंस, चलो बराबर इन्हें कट करते हैं और बनाते हैं भिंडी गोश्त। सो अभी मम्मा बना रही हैं भिंडी गोश्त और मम्मी ना इस तरीके से फ्राई कर लेती हैं पहले, बड़े मज़े की बनती है ये भिंडी, फ्राई करके फिर आप जो मसाला भूना होता है उसमें जस्ट उसको डाल दो, और मम्मी एक या दो बेसन ले लो ना बस, एक 5 मिनट बस ऑल आना हो, अच्छा मतलब हल्का सा बॉईल, मतलब बॉईल कर लो ग्रेवी के साथ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी फ्राई हो चुकी होती है ग्रेवी, उधर बन के रेडी हो गई है, उसको बेसन लगा लिया है बस, एंड इधर बन रहा है पापा जी के लिए मस्त रायता लौकी का, सब कटिंग चॉपिंग हो गई है, सो यहाँ पर बन रहा है खाना, पागल लगा कैसे कूदने के लिए तैयार है विंडो से, चला लोग लंच करने बैठ गए हैं मम्मा मैं और भाई, और यहाँ पर है लौकी का रायता, आलू का रायता, दाल और साथ में चिकन पालक एंड भिंडी गोश्त, सो चलो डिनर सॉरी लंच करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। क्या कर रहे हो, अरे ये क्या किया है भैया आपने, नीचे बैठो बैठो, अरे नीचे तो बैठो आप, अरे बैठो तो सही, कैमरा पकड़ने की प्रैक्टिस, कैमरा पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, बैक से कैमरा कैसे पकड़ते हैं, बैक कैमरा से, हेलो गाइस, ओके गाइस, सो ये रहा वो मिल्क जो मैंने मानो से सुबह बनवाया था, और बड़े मज़े का होता है ये, केसर मिल्क होता है, हाँ मम्मी ने लाइक खोली, और इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए होगी तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, सो अभी मेरा जस्ट लाइव सेशन कंप्लीट हुआ है, तो एकदम मुझे मानो ने याद दिलाया कि आप ही आपका केसर मिल्क रखा है, आपको पीना नहीं है क्या, मैंने कहा पीना है, लाओ तो मैं भूल गई थी, तो फटाफट बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ऐसा लगता है मार्केट स्टाइल, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो बताना ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में। सो गाइस ये आ चुके हैं डिनर, डिनर के लिए, और यहाँ पर लगा दिया है डिनर, चलो दिखाती हूँ आज डिनर में क्या क्या है, यहाँ पर है जी मज़ेदार, सो
सो यहाँ पर है जी ये मज़ेदार अरबी, सॉरी मामा इधर नहीं है, ये मज़ेदार सा क्या है भिंडी गोश्त, साथ में आंटी ने भेजा शबाना खाला ने कबाब विद पराठे, ये देखिए एक हटाना डालना। सो और ये है यहाँ पर मज़ेदार सा रायता। सो आज का मेन्यू है हमारा ये, तो चलो करते हैं इसको इंजॉय, खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, है ना मैम? चलेगा गाइज, आपको आज का व्लॉग मेरा छोटू मोटू सा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह विद वेरी सून, तो बस आप दीजिए मुझे इजाज़त, अब मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लव यू, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।